हे क्रशर्स, कैसे हो आप लोग? खूब सब लोग बहुत शानदार हो गया यार। वेल, वन वीक की प्रोग्रेशन हम लोग का टाउन हॉल लाइन गोल्ड पासेस के साथ और विदाउट गोल्ड पासेस के साथ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे कितना हम लोग गोल्ड पासेस के साथ टाउन हॉल लाइन में मैक्स आउट हो चुके हैं और विदाउट गोल्ड पास के साथ कितना मैक्स आउट हुए हैं टाउन हॉल लाइन में। क्या टाउन हॉल लाइन में गोल्ड पास खरीदना उतना वैल्यूएबल है या फिर नहीं? वेल, मैं आप लोग सभी लोगों को बता दूं, अ लिटिल बिट मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्ले किया हूँ गोल्ड पासेस के साथ, अ लिटिल बिट मैं थोड़ा कम प्ले किया हूँ, जिसकी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो वॉल के अपग्रेडेशन से। मैं वॉल को अपग्रेडेशन थोड़ा फास्ट किया हूँ गोल्ड पासेस के अंदर। यहाँ पे सीजन एंड हो चुका है और सीजन एंड होने के बाद यहाँ पे हम लोग को काफी अच्छा रिवॉर्ड्स देखने को मिला है, काफी सारे यहाँ पे पिगी बैंक के रिसोर्सेज, और इतने सारे रिसोर्सेज हैं, मेरे वॉल्स भी मैक्स है कि मैं इसे स्पेंड भी नहीं कर सकता हूँ यार। ओके, सारे के सारे बिल्डर ऑलमोस्ट बिजी है, 6 मिनट में एक सीकिंग एयर माइन से रिलीज हो जाएगा, कूल। बट यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कितना सारा चीज़ हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं गोल्ड पास के अंदर और कितना बचा है। आप लोग सबसे पहले बिल्डर आप लोग सजेशन देखो, बिल्डर सजेशन में एलिक्सिर कलेक्टर एक, आर्चर क्वीन, लगभग हम लोग का 10 लेवल बाकी है, 20 लेवल ही कर पाए हैं 1 मंथ के प्रोग्रेशन में। ज़्यादा मैंने कोई भी जिम का इस्तेमाल नहीं किया है और सिंपली जो हम लोग को पॉक्स मिले थे पॉक्स के हेल्प से और कुछ मैजिकल आइटम के हेल्प से जितना हम लोग का हो पाया वही चीज़ आप लोग यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ। हम लोग और भी कोई ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किए। एंड डार्क एलिक्सिर ड्रिलर, भाई ये देख सकते हो ड्रिलर 3 का 3 बाकी है, कुछ यहाँ पे गोल्ड और एलिक्सिर के यहाँ पे कलेक्टर्स बाकी है जिसे मैं कुछ भी अपग्रेड नहीं किया हूँ। और यहाँ पे 2 स्प्रिंग ट्रैप्स, 3 एयर बॉम्ब और 6 बॉम्ब, और उसी के साथ साथ 10 लेवल क्वीन की और 13 लेवल किंग का। इतना सारा अपग्रेडेशन स्टिल टाउन हॉल लाइन में लेफ्ट रह गया गोल्ड पासेस को परचेस करने के बावजूद। अब हीरोज के लेवल कैसे कम रह गए, ये एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोग बताऊँ कि हम लोग का सी डब्ल्यू चल रहा था, सी डब्ल्यू के टाइम 10 दिन तो मैंने कोई भी यहाँ पे हीरोज को अपग्रेड पे लगाया ही नहीं, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा क्रिएट हो गया, 2-3 ऐसे वॉर डिफिकल्ट वॉर हो गए थे जहाँ पे 3 स्टार लाना बहुत ही जरूरी था, तो उस समय भी हम लोग अपने हीरोज को अपग्रेड पे नहीं लगाए, तो इस वजह से हीरोज थोड़े से लो लेवल हो गए। बट आई बिलीव कि 20 से 25 लेवल तक ना आप अपने हीरोज को लेके जा सकते हो, ठीक है, टाउन ऑनलाइन में गोल्ड पासेस परचेस करने के बाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वो क्या बात है, अप्रैल सीजन चैलेंजेस आर हियर। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और न्यू सीजन का गोल्ड पासेस आ चुका है। हे, एक मिनट यार, क्या आप लोगों को गोल्ड पासेस चाहिए इस सीजन के? चलिए मैं आप लोगों को एक गोल्ड पास की गिवे करता हूँ आज के इस वीडियो में। सिंपली आप लोगों गोल्ड पास में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है यार, और कोई भी एक रैंडम कमेंट लिखना है। ओके, मैं रैंडम कमेंट पिकर से आप लोग में से किसी भी एक कमेंट को पिक आउट करूंगा, जिसका भी कमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और जो चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मैं एक गोल्ड पास डिलीवर करूंगा अपकमिंग डेज में। ओके, तो आप लोग स्टे ट्यून रहो और गिव में पार्टिसिपेट कर लो यार। और यहाँ पे हम लोग को सीजन एंड होने के बाद कुछ रिसोर्सेस मिले, कम रिसोर्सेस कंपेयर टू गोल्ड पास, क्योंकि हमारा पिग्गी बैंक भी तो छोटा था। वेल, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर अपना विलेज बना के रखा है, एंड यहाँ पे कंडीशनली ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगा ना ऊपर। सबसे पहले आप लोग ये चेक कर लो यार, ठीक है, बिल्डर सजेशन, एलिक्सिर कलेक्टर बाकी है, डार्क एलिक्सिर ड्रिलर जो कि उधर भी बाकी था, क्वीन, हीरोज देखोगे तो क्वीन मेरी यहाँ पे भी 20 लेवल है, उधर भी 20 लेवल थी, कोई इसमें खास चेंजेस नहीं है, एकदम सिंगल सा भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। किंग यहाँ पे 16 है लेकिन उधर 17 था, ठीक है, एक लेवल का यहाँ पे हीरोज अपग्रेडेशन में चेंजेस आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट चीजें देखो यार, ठीक है, आप लोग को यहाँ पे गोल्ड स्टोरेज, गोल्ड माइन, वॉल्स, इतने सारे वॉल्स को नेग्लिजेबल हम लोग कर देते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा फार्मिंग करते हो। यहाँ पे ज्यादा मैं खेलता तो वॉल्स को मैं कर लेता, ठीक है, वॉल्स को यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। विजर्ड टावर, एयर स्वीपर और सिकिंग एयर माइंस 4, स्प्रिंग ट्रैप 6, जाइंट बॉम्ब और एयर बॉम्ब के साथ साथ बॉम्ब भी 6-6 बचा हुआ है। यानी अगर यहाँ पे देखोगे ना तो अ लिटिल बिट 15 दिन का और भी ज्यादा अपग्रेडेशन बचा हुआ है बिल्डिंग सबसे रिलेटेड, ठीक है।
अगर आप लोग गोल्ड पासेस नहीं परचेस करते हो तो लगभग 15 दिन और भी मे भी लग सकता है आप लोग को विदाउट गोल्ड पासेस मैक्स करने में, यानी टोटल 45 डेज। अगर गोल्ड पास परचेस करते हो तो लगभग लगभग आपको 32 से 33 डेज लगेंगे शायद से पूरे की पूरी बेसिस को मैक्स आउट करने में, एक्सेप्ट हीरोज। ठीक है, हीरोज यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट रह जाता है, तो यहाँ पे हीरोज को इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि हर वक्त लगा के रखो, जो कि मैं खुद भी नहीं किया वॉर सबके सिचुएशन के कारण। वेल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अपग्रेडेड है। अब यहाँ पे बात आता है कि कितनी सारी चीज़ें आप लोग का यहाँ पे लैबोरेटरी में अपग्रेड हुआ है। लैबोरेटरी चेकआउट करवाता हूँ मैं यहाँ पे, जितना अभी लोग देख सकते हो ना ट्रुप्स, तो एलिक्सर के ट्रुप्स सारे अपग्रेडेड है और एलिक्सर के स्पेल्स भी लगभग लगभग सारे अपग्रेडेड है विदाउट गोल्ड पास में। डार्क एलिक्सर काफ़ी बचा हुआ है, गोलम विचेज एंड वल्काइरी मिनियंस एंड कुछ स्पेल्स बचे हुए, देख सकते हो इतने सारे स्पेल्स स्टिल बचे हुए लैब में अपग्रेड करना। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन हो गया, क्या हम लोगों को गोल्ड पासेस में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा? वेल, आप लोगों को क्या लगता है यार? वेल देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग गोल्ड पासेस के अंदर जाएँ और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो एलिक्सर में ओनली 2 जो ट्रुप्स हैं वो बचे हुए, एक बारबेरियन एंड दूसरा आर्चर। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे ट्रुप्स हम लोगों ने कर रखे, एलिक्सर के जितने स्पेल हैं वो हम लोग कर रखे हैं एंड यहाँ पे डार्क एलिक्सर के जो 3 स्पेल्स हैं जो उधर भी नहीं हुआ था वो इधर भी नहीं हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे डार्क एलिक्सर में थोड़ा यहाँ पे हम लोग ज़्यादा ट्रुप्स को अपग्रेड किए, जैसे विचेस सब हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं, यहाँ पे बस वल्काइरी और मिनियन ही बचे हैं। ओके, तो लगभग लगभग 1 से 2 जो अपग्रेशन है ना, हार्डली 3 से 4 अपग्रेशन आप लोग का फास्ट होगा, क्योंकि हम लोग को पता है जब हम लोग टाउन हॉल 9 को विदाउट गोल्ड पास वाले को स्टार्ट किए थे खेलना, उस समय हम लोग थोड़ी मैक्स आउट थे, क्योंकि हम लोग लगभग 10 दिन शायद 10 दिन हम लोग पहले या 5 से 10 दिन पहले हम लोग उसे अपग्रेड किए थे। ठीक है, और ये 5 से 10 दिन बाद हम लोग टाउन हॉल अपग्रेड किए। चलो कोई बात नहीं यार, होपफुली आप लोग को एक रफ आइडिया मिल चुका होगा कि गोल्ड पासेस के साथ प्ले करने में कितना जल्दी मैक्स हो गए और विदाउट गोल्ड पास खेल के कितना जल्दी मैक्स हो गए टाउन हॉल 9। यहाँ पे एक मेरा बिल्डर्स भी खाली हो चुका है, अब बहुत सारे रिसोर्सेस हैं यार, तो मैं फील करूँगा कि स्टार्टिंग डेज में जितना मैं अपग्रेड लगा पाऊँ अपने हीरोज को उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि भर भर के रिसोर्सेज है, इतने सारे रिसोर्सेज है कि मैं इसे स्पेंड भी नहीं कर सकता बाकी कुछ लेफ्ट बचे हुए बिल्डिंग्स पे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, बट यहाँ पे चलेंगे गाइस हम लोग एक शानदार से अटैक स्ट्रेटजीज की ओर। अभी CWL आने वाला है, मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट बेसिस की वीडियो मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ और साथ में एक बेस्ट अटैक स्ट्रेटजीज के डिफरेंट डिफरेंट टाउन हॉल्स का, तो स्टे ट्यून्ड रहना आगे की वीडियोज में भी। ओके क्लैशर्स, तो हम लोग की आर्मी हो चुकी है रेडी और चलेंगे हम लोग अटैक स्ट्रेटजी की ओर। और 30 ट्रॉफी, एक अमेजिंग सा टाउन हॉल 9 का बेस हम लोग को देखने को मिल गया। सो बेसिकली ऐसे बेसिस को टेक डाउन करने से पहले जो हम लोग लालून अटैक्स करें, इसमें मेरे पास अभी किंग नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ओपोनेंट की क्वीन को देखते हुए ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स रहेगा इस अटैक्स का। सो हम लोग इस जगह क्वीन को ड्रॉप करते हैं, नो मैटर यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन चेंज हो सकता है, वो चीज़ों को हम लोग थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड जब तक ओपोनेंट की क्वीन टेक डाउन नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपनी क्वीन पे ध्यान रखने वाले थे। अभी ओपोनेंट की क्वीन टेक डाउन हो गई ना, तो एक हम लोग अब बस रेस पर ड्रॉप करेंगे और ऐसे डायरेक्शन को चूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन के लिए ना, जो कि एरिया क्लियरेंस के साथ साथ एक अच्छा वैल्यू भी दे दे। मैं ऊपर से इसलिए नहीं आया ना कि शायद क्वीन ना ये एक जो एडी है ना उसको भी फोड़ देगी आराम से, और इलेक्ट्रो ड्रैगन नीचे वाले एडी को तो फोड़ ही देगा। तो लेट्स सी क्या वैल्यूज़ हम लोग को मिलता है, आई बिलीव एक अच्छा वैल्यूज़ मिलना चाहिए। क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ हो चुकी है, यहाँ पे एक और रेस्पल हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन वैल्यूज़ की बात हम लोग कर रहे थे और वैल्यूज़ की बात करते करते रह गए भाई, यहाँ पे जो मेन एडी था ना उसको ही हम लोग नहीं फोड़ पाए। मैं क्या इलेक्ट्रो नहीं फोड़ पाया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है भाई। अभी देखो ऐसा सिचुएशन आने के बाद भी हम लोग परफेक्ट 3 मारेंगे, डोंट वरी, कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। ओके कूल,
ऊपर से बलून्स आ चुके हैं, ग्रेट। यहाँ पे एक और बचा है ना, ये देखो, ये मैं ड्रॉप करता हूँ। एंड इसी के साथ साथ अब फाइनल रूप में बस हम लोग को कुछ बलून्स को ड्रॉप करना है और मिनियंस ड्रॉप करना है, ठीक है। उसके बाद अपना ये जो बेस है ना, ईजिली 3 स्टार है। ये आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी में से एक है, जैसे आप यूज़ करके ईजिली 3 स्टार ग्रैब कर सकते हो यार, ठीक है। सो कॉर्नर्स में बिल्डिंग नहीं है, तो अब हम लोग को कोई चीज़ों का टेंशन भी नहीं है। बलून्स इनफ अमाउंट में है जो कि ईजिली 3 स्टार करने में हेल्प कर देंगे और सारे डिफेंसेस को क्लियर कर देंगे। कुछ मिनियंस ही लेफ्ट हैं और क्वीन अपना आखिरी वॉल शायद तोड़ी है, जिससे 2 बिल्डिंग्स को और ईजिली टेक डाउन कर लेंगी। एंड बलून्स भी आ चुके हैं, भाई साहब किंग को घेर के मारे हैं यार। कोई नहीं, 39 सेकेंड की टाइमिंग और है, जो कि इनफ टाइम है इस लिटिल बिट बिल्डिंग्स को टेक डाउन करने के लिए, ठीक है। क्वीन की भी पूरी की पूरी हेल्थ लगभग बाकी है। क्वीन चार्ल्स जिंदा रहता है ना लालून अटैक में, और कुछ ऐसे कॉर्नर्स पकड़े जाते हैं जिससे कोई अच्छा वैल्यू मिल जाए क्वीन को, तो ये अटैक 3 स्टार होता है। तो हम लोग फिलहाल पुशिंग के लिए, जब तक हम लोग मास्टर नहीं पहुंच जाते, यही अटैक्स को यूज़ करने वाले हैं। गाइज आई होप सो आप लोग आज का वीडियो काफ़ी अमेजिंग और अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलेंगे इस तरह के न्यू इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। क्लैश ऑन क्लैशर्स।